तो इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। मैंने आपको जैसे कि बताया था कि प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, तो हमने उनको ऑटोट्रॉफ की कैटेगरी में डाला था। अब वो खाना बनाने के लिए लाइट को यूज करते हैं, तो वो ऑटोट्रॉफ में फोटोसिंथेटिक कैटेगरी में आते हैं। तो प्लांट्स के लिए ये दो करेक्टर याद रखना कि वो पहले तो ऑटोट्रॉफ से अपना खाना खुद बनाते हैं और वो खाना बनाते हैं लाइट की मदद से, इसलिए वो फोटोसिंथेटिक भी कहलाते हैं। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो ग्रीन प्लांट मेक देयर फूड, स्पेशली एक पॉइंट नोट करना बेटे, जो प्लांट्स क्या होते हैं, ग्रीन होते हैं। अब ग्रीन कलर प्लांट्स का क्यों होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। एंड प्लांट का हर पार्ट खाना नहीं बना सकता, सिर्फ वही पार्ट खाना बना सकता है जो कि ग्रीन कलर होगा, क्योंकि वहां पे क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा। ठीक है जी। तो ग्रीन प्लांट मेक देयर फूड बाय द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। अब जो प्रोसेस से वो अपना खाना बनाते हैं, इसका नाम है फोटोसिंथेसिस। बचपन से पढ़ते आए हो। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल लाइक वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से एक ऑर्गेनिक फूड बनाया जाता है, जिसका नाम है ग्लूकोज विद द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। इट इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। अगर आप इसको थोड़ा सा साइंटिफिकली फिजिक्स के तौर पे अगर इसको डिफाइन करोगे, तो ये एक प्रोसेस है जिसमें हम सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, केमिकल एनर्जी में। आप बोलोगे सर केमिकल एनर्जी फूड में स्टोर हो जाती है, इसी फूड को डाइजेस्ट करके, मतलब इसी फूड के ऊपर रेस्पिरेशन करके, इसको कन्वर्ट करके हमारी बॉडी एनर्जी प्रोड्यूस करती है। इट टेक प्लेस इन द ग्रीन लीव्स ऑफ द प्लांट। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि ग्रीन प्लांट का कौन सा पार्ट, अब अगर आप बोलोगे कि सर स्टेम करती है, तो स्टेम जो ब्राउन कलर की है वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकती, तो प्लांट का वही पार्ट सिर्फ फोटोसिंथेसिस कर सकता है जो कि ग्रीन कलर का होगा, क्योंकि वहां पे क्लोरोफिल होगा। इट टेक प्लेस इन द ग्रीन लीव्स ऑफ द प्लांट, क्योंकि वहां पे क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल। जो भी ग्रीन पार्ट होगा वहां पे हमारी फोटोसिंथेसिस हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब फोटोसिंथेसिस को थोड़ा सा और डीप पढ़ते हैं। तो फोटोसिंथेसिस क्या प्रोसेस है, और अगर आप इसको डिफाइन करोगे, तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल को विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल कन्वर्ट कर दिया जाता है किसमें, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में, एंड उस प्रोसेस में ऑक्सीजन एक बाय प्रोडक्ट की तरह रिलीज होता है। तो फोटोसिंथेसिस में भी डिफाइंड एज अ सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल। अब वो ऑर्गेनिक मटेरियल को हम किस कैटेगरी में डालते हैं, उसको हम कार्बोहाइड्रेट बोल सकते हैं बेटा। सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है जिसका नाम है ग्लूकोज फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब देखो ध्यान से, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यहाँ पे इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए बाय द ग्रीन प्लांट्स यूजिंग सोलर एनर्जी। मतलब ये प्रोसेस कभी भी लाइट के बिना, सनलाइट के बिना नहीं हो सकता। आप डार्क रूम में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि फोटोसिंथेसिस होगी इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। अब ये जो क्लोरोफिल एक पिगमेंट है, वो किसी भी प्लांट को ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है, एंड ये स्पेशल तरह की सेल ऑर्गेनेल में प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है प्लास्टिड्स। एंड प्लास्टिड्स में भी ये तीन तरह के होते हैं, ये सिर्फ प्रेजेंट होता है किसमें, क्लोरोप्लास्ट में। मैं इसके बारे में भी आपको पढ़ाऊंगा। तो अगर हम फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन पढ़े, तो इसमें 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल 12 वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करते हैं, और सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में वो एक मॉलिक्यूल बनाता है जिसका फॉर्मूला है C6H12O6, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम ग्लूकोज बोलते हैं। यही प्लांट का खाना है, यहीं से वो क्या ऑब्टेन करता है, यहीं से वो अपने लिए एनर्जी ऑब्टेन करता है। साथ में 6 मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं ऑक्सीजन के, एंड 6 मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं वाटर, बनते हैं वाटर के। अच्छा, अब ध्यान से देखिएगा बेटा, फोटोसिंथेसिस कोई एक स्टेप का, जैसे मैंने यहाँ पे आपको एक सिंपल सी रिएक्शन लिखा दी, ये एक्चुअल में कोई एक सिंगल स्टेप की रिएक्शन नहीं है, इसमें दो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। एंड उन दो रिएक्शंस को करने में भी 3-4 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। फॉर एग्जांपल, सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है सोलर लाइट को ट्रैप किया जाता है, क्लोरोप्लास्ट करते हैं उसको, क्लोरोफिल। मतलब आपको बताया गया कि यहाँ पे क्लोरोफिल है ना, अब्सॉर्प्शन ऑफ सोलर लाइट बाय क्लोरोफिल। अब ये क्लोरोफिल मैंने आपको बताया किसके अंदर होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। जब हम क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, तो हम जानेंगे कि वहाँ पे भी एक स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम होता है थैलाकोइड, उस पर आएंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो सबसे पहला स्टेप इज अब्सॉर्प्शन ऑफ सोलर लाइट, नेक्स्ट इज स्प्लिटिंग ऑफ वाटर टू गिव ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो यहाँ पे इस स्टेप में वाटर को ब्रेक डाउन किया जाता है और उसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक कर दिया जाता है। एक्चुअल में हाइड्रोजन नहीं बनता यहाँ पे, हाइड्रोजन का आयन एंड इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है। नेक्स्ट इज रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था कि रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कार्बन डाइऑक्साइड चेंज हो रही है किसमें, C6H12O6 में। तो यहाँ पे आप देखो 12 हाइड्रोजन के एटम को गेन कर रहा है। तो यहाँ पे रिडक्शन की जाती है कार्बन डाइऑक्साइड की टू कार्बोहाइड्रेट बाय यूटिलाइजिंग द केमिकल एनर्जी विद इन अ लीफ। अब लीफ के अंदर भी हर सेल फोटोसिंथेसिस नहीं करता, सिर्फ वही सेल करते हैं जिनके पास क्लोरोप्लास्ट होते हैं, और उन सेल्स को हम क्या बोलते हैं, उन सेल्स को हम मिसोफिल सेल्स बोलते हैं। विद इन अ लीफ फोटोसिंथेसिस अकर इन पर्टिकुलर इन अ स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड मिसोफिल सेल, दिस सेल्स कंटेन क्लोरोप्लास्ट।